for me, I think when it comes to music production and making the music, I think the first thing I think about is like the rhythm. I mean, the type of rhythm that I want to use in the song. And for this particular song, I think I've heard a lot of ballad music. I've heard a lot of Western music. And it's been ballad, generally, I think the most used rhythm is the 6/8 time signature. And I thought that I would make a song in that. So after that, like, tempo was another issue. उसमें मैं देख रहा था कि जरा ज़्यादा स्लो हो जाएगा तो हाउ इज इट गोइंग टू बी, ज़्यादा फास्ट हो जाएगा हाउ इज इट गोइंग टू बी. सो या आई वाज लाइक, मैं सोचा बीच में रखूंगा. सो आई केप्ट अराउंड 80 बीपीएम फॉर द सॉन्ग. सो पहले मैंने रिदम डिसाइड की, आई एम गोना मेक दिस सॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर रिदम. एंड लाइक दिस वॉज द रिदम दैट आई यूज्ड इन द सॉन्ग. द थ्रू आउट द सॉन्ग एक रिदम है. सो अगर कोई इसमें डांस करना चाहेगा, मूव करना चाहेगा, तो यू कैन डू दैट एज वेल. इट्स लाइक ज़्यादा रिदम में चेंज होता है तो people get confused. I mean, in jazz music, Hindustani classical music, there are a lot of changes that happen. This song is straight up Western, straight up love song, love ballad. So that's something I wanted to go for. Keep it simple rakhna tha mujhe. So after that, I record the whole plucking, jo mera gaane mein jo plucking part hai, to usko main isme record karta hu. You can hear it? You can hear me? Yeah. It's too soft. So then I record the chords, then I record the chord progressions, and then after that, उसके बाद मैं इसका जो groove है गाने का, जो original groove है जो रखना चाहता हूँ, उसको record करता हूँ फिर. You know that rhythm, that whole accenting is coming out then of the song. गाने का एक accent होता है and the whole feel of the song. And then I record that first, second after that, and then finally गाने का finally arrangement बनता है after. Then उसके बाद then I work on the song. उसके बाद मैं गाना लिखता हूँ पहले, and then once I write the song, I work on the rhythm. I pass it through to the rhythm, and then the feel comes in. Then उसको गाना कैसे है, that becomes the next question for me. And like yeah, and like it goes. वैसे गाना बनता है. That's how I compose this song. And yeah. फिर वही फील मैंने डाला गाने में. एंड देन आफ्टर दैट तो सिंगिंग में तो इट्स जस्ट अबाउट हाउ द लिरिक्स आर रिटन एंड लाइक हाउ आई प्रोजेक्टेड द सॉन्ग आउटसाइड, कैसा म्यूजिक है उसके साथ. सिंस इट हैज अ वेरी वेस्टर्न रॉक बैलेड फील, सो आई सैंग इन दैट वे. या थैंक यू. I started singing at a very young age, honestly. But my family knew I sang, but I didn't come out as a singer. But मैं धीरे धीरे गा के उसके बाद मैं UK गया था पढ़ने के लिए. कार्डिफ में पढ़ा था. वहाँ पर मैं ओपन माइक्स, मतलब बहुत सारे शोज, मतलब वहाँ पर करता था. एंड लाइक पीपल यूज टू कम एंड वॉच. सो लाइक आई गॉट सम रिकग्निशन ओवर देयर. एंड देन आफ्टर दैट बढ़ते फिर मैं वापस इंडिया आया. एंड आफ्टर माई कोर्स आई केम बैक टू इंडिया. एंड वहाँ पर मैंने लाइक एक्चुअली मैं सोचा कि म्यूज़िक को सीरियसली लूँ और सीखूँ, क्योंकि मैं आई कुड सिंग वेल. आई न्यू दैट आई हैड द केपेबिलिटी. एंड देन आफ्टर दैट आई स्टार्ट टेकिंग इन मोर सीरियसली. मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल में मैंने तालीम ली. मेरे गुरु है श्री कुमार मुखर्जी, जो कसूर पटियाला घराने के हैं. एंड बस उनसे तालीम लिया. एंड देन आफ्टर दैट आई वर्कड ऑन माई म्यूज़िक और आगे बढ़ता गया. एंड देन यार दिस सॉन्ग हैपेंड. आई मीन मैं बहुत परफॉर्मेंसेज लाइव किया हुआ हूँ. एंड मैं सोचा कि अभी गाना लिखूँ. आई एम अ मैसिव जॉन मेयर फैन. सो उनका गाना सुन के मैं प्रभावित हुआ. एंड बस आई वॉन्टेड टू राइट माई ओन सॉन्ग एंड गेट इट आउट देयर. दैट्स हाउ याद है. फर्स्ट प्रोफेशनल शो वॉज ऑन एक्चुअली ऑन द 1st January 2017. दैट्स द फर्स्ट टाइम आई परफॉर्म इन अ वेरी स्मॉल कैफे. सो इट वॉज अ हाउसफुल शो. आई मीन लाइक द लॉट ऑफ पीपल शोड अप इन दैट शो, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ लाइव म्यूजिक क्रेजी पीपल इन कैलकटा. एंड लाइक दैट शो वॉज अ बिग हिट. एंड देन we started growing from there. We performed at places, we performed at all the metros in India after that. Mera band ka naam tha the Bombay Gramophone Company, jo iske pehle wala band tha mera. Abhi I'm going as Aryan, but it was great fun. I mean I started with my friends and everything like that, and we turned professional. We were going places. Yeah, we went places together. So initially you were in UK, you know, having your career itself. Yeah. What was the reason to move to Mumbai? Are you inclined towards, you know, Bollywood music? See, honestly, when I came to Bombay, I wanted to be a playback singer. But then, like, the vision at the moment has changed in Bombay. Most of the singers, sabhi sub singers ko aap dekh rahe hain, jo log independent ho rahe hain, then they're getting into Bollywood and growing from there. So, I mean, that is the plan for me right now. So, I want to set my signature out first and what Aryan can do. And then maybe
sing Bollywood according to my way, like, you know, because like times when Arijit Singh, he's a beautiful vocalist, okay, मेरे उसने उन्होंने compose नहीं किया था गाना, but वो जब आए तो उनका एक particular type का genre बन गया जिसपे वो fit हो गए गाने लगे. मैं चाहता हूँ कि वो genre मैं खुद बनाऊँ अपने लिए, and तो क्या music directors के लिए भी easy हो कि RN ये कर सकते हैं तो मैं RN से ये गवा सकता हूँ उसके बाद. although मैं गाना सब चाहता हूँ, I want to sing everything, I don't want a particular genre, I would like to believe I'm versatile in my singing, so yeah. म्यूजिक डायरेक्टर से बात हुआ था मेरा, लाइक आई डोंट वांट टू नेम पीपल राइट नाउ बिकॉज वो एक प्रोजेक्ट फाइनल होते होते देन इट डिड नॉट हैपन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई मीन मुझे आई डिडंट लाइक द सॉन्ग दैट आई वाज गोइंग टू सिंग. आई एम वेरी चूजी अबाउट इट अबाउट माय सॉन्ग, सो दैट पर्टिकुलर सॉन्ग आई मीन आई डिडंट नो इट वाज आई डिडंट मेरे लिए नहीं था वो, तो मैंने वो अग्री नहीं किया वो गाना के लिए, बट इट्स ओके. आई मीन दैट्स व्हाई आई वांटेड टू मेक माय ओन सॉन्ग सो दैट पीपल अंडरस्टैंड कि मेरा आवाज कैसा जॉनर में, क्योंकि कई बार क्या होता है गाना गाने के लिए मैं गा सकता हूँ, आई कैन सिंग, आई मीन आई वुड लाइक, मैं सब टाइम में शोज में बिजुरिया भी गाता हूँ, सोनू निगम का बहुत फेमस गाना है, एंड मैं शो में तेरी दीवानी भी गाता हूँ, कैलाश खेर का गाना है, मैं शो में अरिजीत के भी गाने गाता हूँ, आई सिंग एवरीथिंग ऑलमोस्ट, इंग्लिश भी गाता हूँ. बट कभी कभी क्या होता है अगर आपको एक पर्टिकुलर गाना मिल जाए प्लेबैक के लिए, उसको आप अगर आपके साथ वो गाना नहीं जाए तो आप उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड, एंड दैट्स समथिंग आई फर्मली बिलीव, लाइक यू नो, सो मैंने वो गाना नहीं किया ऑनेस्टली. या I think as an indie artist first right now at the moment I'm really focused on making my own music, producing my own music and getting it out there, and then maybe getting into playback. I mean I would love to be a playback singer, it's a great feeling to sing for a movie, definitely. So are you looking for any project right now? I mean, are you talks with any music company or anything? Abhi Zee Music ke saath mera baat tha, my song is released with Zee and Sony se bhi baat ho raha hai mera for a project or two, so let's see how things go. Okay.